बाबा प्रागनाथ जी का बहुत ही पवित्र स्थान और बहुत ही पुराना स्थान है और बहुत ही शक्तिशाली स्थान है, जिनकी कृपा से हजारों सालों से ये जहाँ पर दंगल होता आया है, मेला जहाँ लगता है, और जहाँ के जो बस्ती के लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं जो जिस प्रोग्राम को कराते हैं। मैं जहाँ की कमेटी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये कार्य जो किया है, और हमारी जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस के साथ साथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो जहाँ दो दिन से काम कर रहे हैं, मैं उन सब का बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ। आप लोगों का भी बहुत धन्यवादी हूँ जो कि इतनी गर्मी में जहाँ आए हैं, आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा प्रागनाथ के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है कि ये सदा होता रहे, सब लोग जहाँ मिलजुल कर जय कराते रहे। यहाँ पे पहले थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था लेकिन बड़ा स्मूथली हुआ, लोगों ने भी हेल्प की, कमेटी ने हमारी हेल्प की, सारों ने हेल्प की, और आपको दिख भी रहा है कि पूरा स्मूथली हो रहा है। तो और क्या, स्मूथली हो जाए तो नेक्स्ट ईयर भी हम चाहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्मूथली। सर, हर वर्ष की तरह इस बार भी बाल योगिया में जो कमेटी की तरफ से दंगल कराया जा रहा है, मैं इस वक्त सारी कमेटी का और ख़ास करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल पीसफुली चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये पीसफुली चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख ही रहे कि दंगल का जो प्रोग्राम है बड़ा पीसफुली इस वक्त चल रहा है, तो हमने जो भी सिक्योरिटी लेवल पे हमारे अरेंजमेंट्स करने थे ताकि कोई परेशानी ना बने या कोई लाइन ऑर्डर की कोई इशू ना हो, तो हमने पूरी तरह से अरेंजमेंट करके रखे हैं। हमारे साथ मजिस्ट्रेसी भी है, हमारे बाकी जो ऑफिसर्स हैं, एसएचओ, डीएसपी साहब सारे प्रेजेंट हैं, तो हमने अपनी तरफ से डेवलपमेंट किया है अच्छे तरीके से। तो हमारा यही है कि पीसफुली हर प्रोग्राम हो जाए, और हमारा तरफ से बंदोबस्त रहता है तो ये प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, हमारी कोशिश रहती है कि अच्छा सा बंदोबस्त हो और पीसफुली ऐसे प्रोग्राम कंक्लूड हो जाए। शुक्रिया सर।